एनालॉग वगैरह ये तो ये चेंज हो गया ना। हाँ ये हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज हमारे पास है वॉक्सवैगन की वर्टस। तो वर्टस की वैसे आप लोगों ने कई सारी वीडियो देख ली होगी मेरे चैनल पे, बहुत टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमने वर्टस की दो तीन बार वीडियो शूट कर चुकी है। देखो इस पर्पज में थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मैंने कई बार देखो वर्टस चला ली है और सारी सेगमेंट्स की कार मैंने कंपेयर करी है तो मुझे कौन सी कार वैसे परफेक्ट लगी है और किस में क्या बुराई है तो मैं आज आपके सामने और इसकी जो कंपेरिटिवली जैसे वरना है और होंडा सिटी और स्कोडा सलाविया तो उन तीनों के हिसाब से इसका कंपेयर ही बता पाऊंगा कि आपको VW वर्टस में क्या अच्छा मिलता है क्या बुराई मिलती है उनके कंपेरिटिवली। और इसका हम 0 to 100 भी आज टेस्ट करने वाले हैं और थोड़े बहुत इसके एक्स्ट्रा फीचर भी थोड़े जान लेंगे। तो यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन की, ठीक है। तो गाड़ी का इंजन आता है 1.5 लीटर का TSI इंजन जो टर्बो चार्ज है, नॉर्मली जो 1.5 वो टर्बो चार्ज इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 150 BHP और 250 Nm टॉर्क। अगर मैं बिल्कुल पेपर टू पेपर जाऊँ तो 147 BHP और 250 Nm का टॉर्क, ठीक है। तो इतनी ये पावर प्रोड्यूस कर देता है और ये पावर भाई बहुत ज़्यादा होती है एक नॉर्मल सेडान के हिसाब से जो इस प्राइस रेंज में आ रही है। देखो ये पावर ना काफ़ी अच्छी है और ये पावर कहीं ना कहीं आपको फील भी पूरी कराती है क्योंकि ये पावर ना जैसे कि आप पंजा पूरा दाबोगे ना वो जो पुशबैक आता ना जो खिंचती है गाड़ी वो चीज़ फील होती है और दिखती भी है। और गाड़ी एक ऐसा शोर मचाती है, देखो किसी किसी को थोड़ा ना वो बेकार भी लग सकता है, किसी किसी को थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ स्पोर्टी वाली फील दे रही है। देखो ज़्यादा हाई स्पीड पे ज़्यादा हाई RPM पे किसी किसी को चाहिए होता है कि गाड़ी ज़्यादा नॉइस ना करे बस भगती रहे, लेकिन किसी किसी को चाहिए होता है कि गाड़ी आवाज़ भी करे, पूरी इंजन से दम जो लगा रहा है ना इंजन वो आवाज़ सुनने को आए कानों में, तो वाली चीज़ ये आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आप हाई RPM दोगे इसका इंजन पूरी जोर से अपना आवाज़ करेगा और आपको पूरी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो ये रही भाई इसकी परफॉर्मेंस की जो मैंने फील करी है और मैं आपको बताऊं भाई इसके गाड़ी के बारे में आगे। एड्रेस भी एडजस्टेबल 3 mm इधर लो, न्यूटन ले लेना, लेफ्ट को ले लेना सामने से, इस पे ले ले प्रेमवाड़ी पुल पे, इससे बढ़िया ये तो रेड लाइट है। करियो कोनिंग देखियो, सिटी से बेटर है, देख स्पेस देखिए सिटी में है ना पीछे का थोड़ा बहुत, ठीक है ओवरऑल पास है परफॉर्मेंस की। देखो आप लोगों ने थोड़ी वीडियो देखी होगी तो आपने थोड़ी सी आवाज़ का भी अंदाज़ा लगाया होगा कि कितनी आवाज़ निकालती है ज़्यादा RPMs पे, तो वो चीज़ देखो आपको प्रैक्टिकली चलाओगे तब ज़्यादा फील होगी, अभी तो इतनी फील नहीं होगी। अभी मैं आपको इसका 0 to 100 दिखाता हूँ कैसा है। डिस्प्ले इसका डिस्प्ले सेम ही रहेगा। अच्छा डिस्प्ले सेम ही रहता है, एनालॉग वगैरह ये तो ये चेंज हो गया ना। हाँ ये व्यू तो यार अब मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे थोड़ा अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा लेने के लिए कि हाँ गाड़ी थोड़ा मैं चला लूँ देख लूँ कैसी है गाड़ी वैसे चला रखी, लेकिन थोड़ा हाँ देख लूँ भाई मन का पड़ता है ये इंजन ही ऐसा यार। तो यार मैं ना इसको 0 to 100 की थोड़ी वीडियो के बारे में जो अभी आपने देखी क्लिप देखी उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखो इंक्लाइंड थी जो रोड थी ना वो इंक्लाइंड थी, इंक्लाइंड की वजह से थोड़ा लगा कि हाँ वो 10 सेकंड में गई यार, 10.5 में गई थी वो 0 to 100, लेकिन बताऊँ इंक्लाइंड थी वो इसी वजह से गई है, वरना अगर इंक्लाइंड ना होता वो 8.5 या 9 सेकंड में 0 to 100 आराम से ले लेती है गाड़ी।
ऐसी बात नहीं है। और आप देखो ना इंक्लाइंड पे भी गाड़ी ने 100 इतनी जल्दी टच करा 10 सेकंड के अंदर तो नहीं लेकिन 10 सेकंड के आसपास तो ज़रूर करा इस गाड़ी ने, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। देखो मुझे तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी एक गाड़ी के लिए, क्योंकि देखो इसमें भाई पावर भर भर के है और मैं इसकी पावर का ही फ़ैन हूँ और इसकी स्टेबिलिटी का फ़ैन हूँ। और मैंने गाड़ी चलाता हूँ हमेशा, मुझे इतनी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है ना इस गाड़ी के अंदर। हमने स्कोडा सलावे से 200 का भाई हमने टॉप स्पीड टच करी हुई है, एक बार वो भी ज़रूर देखना। 200 पे भी वो गाड़ी काफ़ी स्टेबल थी, तो ये भी उसी प्लेटफॉर्म में बेस्ड है। ये भी पूरी स्कोडा सलावी है, ये बस इसका अपर जो पूरे बॉडी होती है ना वो चेंज कर देते हैं और लेकिन पूरी गाड़ी वो होती है। जर्मन इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट भाई। अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, बेस्ट चाहिए ना, तो आप ना जर्मन कार्स में जाना। जर्मन कार्स में ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी पावर मिलेगी, तो वहीं मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो इसमें ना अब 2024 वाली में ना इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट ऐड कर दी इन लोगों ने, और इलेक्ट्रिक सीट बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर वाली सीट दोनों इलेक्ट्रिक कर दी हैं। और इसका ना काफ़ी इंटीरियर प्रीमियम लगता है मुझे, मैं कंपेयर करूँ वरना या होंडा सिटी से, ठीक है, स्कोडा से भी ज़्यादा मुझे इसका स्पोर्टी ज़्यादा लगता है। तो फिर मुझे प्रेफर मैं इसी को करता हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही पसंद है स्कोडा से, और स्कोडा से ज़्यादा लुक अच्छा है, इंटीरियर ज़्यादा अच्छा है इसका। तो देखो जो कार एंथुसियास्ट है जैसे हमारी उम्र के, जिनको गाड़ी रैश चलाना पसंद है, भगाना पसंद है, तो उनके लिए वॉक्सवैगन भाई बेस्ट है। और थोड़ा हमसे जो अंकल टाइप है तो उनके लिए स्कोडा बेस्ट है, अगर वो भी स्पीड चाहते हैं या फन चाहते हैं। और भाई वरना वगैरह में तो भाई मैं अगर नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वरना की, वरना को भी इससे पूरा कंपेयर करूँगा वरना में क्या फ़र्क है। तो आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, अगली वीडियो भाई वरना की ही आने वाली है, पूरा वरना को कंपेयर करूँगा। और होंडा सिटी में भाई तो नेचुरली एस्पिरेटेड है, वो तो अलग ही है। चलो अगली वीडियो वरना की होने वाली है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।